मैं शायद जल्दी आ गया। नहीं अरम, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो, आओ बैठो। नहीं तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। हम बाद में जरूर मिल लेंगे, लेकिन अभी तुम दोनों का मिलना, बात करना जरूरी है। तमाम रिश्ते, तमाम वास्ते सब खत्म हो चुके हैं, और ये मैंने नहीं किया इसलिए किया। मैं क्या बात करूं उससे? तुम्हें सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं ही चली जाती। मोमना यार प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम दोनों अभी अपना बचपना छोड़ो, बैठो तुम लोग बात करो, आखिरी बार बात कर लो यार प्लीज, मेरी खातिर बैठो। मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं जा रही हूँ। तुम बहुत बुरी हो। और खुद के बारे में क्या ख्याल है मोहतरमा का? मैं अब अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचती। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, कम से कम मेरा झूठ किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को इंसल्ट नहीं करता, और ना ही किसी को आजमाइश में डालता। तुम्हें क्या पता कि तुम पूरी की पूरी आजमाइश हो किसी के लिए? क्या चाहिए? और ये कौन सा तरीका है दरवाजा नॉक करने का? तमीज अमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? बोलो क्या चाहिए? बदतमीज कहीं के। सॉरी जी, खाला से मिलने आया हूँ अपनी। जाओ बताओ उन्हें, उनका भांजा आया खासियत है। पहले खाला और अब ये भांजा, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? यहाँ तुम्हारी कोई खाला वाला नहीं है, जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? शौक से जी, वैसे खाला ने ठीक ही कहा, तीखी मिर्च है इस घर की एक लड़की, और शायद वो आप ही हैं। अरे अरे क्या हो गया, मेरा कोई मेहमान इस घर में नहीं आ सकता क्या? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे रिश्तेदार, ये हमारा घर है, यहाँ तुम्हारे कोई मेहमान मेहमान नहीं आएंगे। लगता है तुमने अब तक अपनी बेटियों का दिल नहीं जीता, कितनी गलत बात है। बेटियां माय फुट। वैसे सलाम है तेरी अम्मा को, जो तुझ जैसी शुरली को ना पाल के बड़ा किया, देखा? तो जाने भी दो खाला, वैसे एक जरूरी बात करनी है मिस, अगर आप इजाजत दें तो चला जाऊंगा मैं। पता नहीं कैसे कैसे जंगली जाहिल देखने पड़ेंगे अपने घर में। अरे बस बस मुंह बंद कर, और तू क्या इसके मुंह लग रहा है, चल अंदर, दरवाजा बंद करके अंदर आ, चल। मोमिन अगर कोई काम वक्त पर ना किया जाए ना, तो एक ना एक दिन उसकी बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने और तुम्हारे रिश्ते को बहुत पक दिया है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं जहां से शुरू हुआ था। तो मैं कौन सा आगे बढ़ गई हूं? मैं भी तो वहीं खड़ी हूं, फिर मुझसे किस बात का गिला है आपको? लेकिन इस थोड़े से वक्त में तुम्हारी जिंदगी बहुत बदल गई है, अब मैं खुद को तुम्हारी आंखों में ढूंढ ही नहीं पाता। किसने मजबूर किया आपको? दिल के हाथों मजबूर। तो समझा लें दिल को, समझ जाएगा। आखिर मैं यही करूंगा, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं।
मुमना तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने रिश्ते हैं और मैं हूं, किसी एक को चुन लो, निकलो इस कश्मकश से। समी, अंकल, अबीर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम इनकी लाइफ से निकल आओगी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और समी, उसको किस तरीके से मैं किसी अजनबी औरत की गोद में छोड़ दूं? क्या ये खुद गर्जी नहीं आ रहा? मोमिना, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बच्चा नहीं है जो तुम इतना इमोशनल होकर सोच रही हो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? इस समी के लिए ही अंकल ने अपना इमेज जीरो कर लिया। उनको उनकी लाइफ जीने दो मोमिना, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बस खत्म हो गया यहाँ पर। नहीं हुआ कुछ खत्म, सिर्फ आपका दिल तंग हो गया है। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो मत करें, मगर कम से कम शादी नाम की तौहीन तो ना करें। अगर आप दिल के हाथों मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर। अगर आप मुझे समी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है, आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो कल हम फिर मिलेंगे।